श्री श्याम झूला महोत्सव समिति द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। सावन के बाद प्रारंभ भादव महीने में भी भजन कीर्तन भक्ति श्रद्धा का माहौल बना रहता है। इस महीने उत्साह देखने को मिलता है भिवड़ी शहर के कोमलपाड़ा क्षेत्र का गांजीगी हॉल में श्री श्याम झूला महोत्सव समिति द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों महिला और पुरुष श्याम बाबा के दर्शन के लिए आए। भक्तों ने श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। संगीत में कार्यक्रम के साथ महाप्रसाद का आयोजन किया गया। काल से ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर काफी भक्तों की भीड़ थी, आज देखने को मिली। श्याम सेवा केंद्र के द्वारा तत्वाधान में श्री श्याम झूला उत्सव महोत्सव भिवंडी द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 25 सालों से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की हमेशा पूर्णतया सफलता रहती है और हर साल ज्यादा ही सफल होता चला जाता है। कितनी भीड़ रहती है? लगभग 1200-1500। संगीत में कार्यक्रम के अलावा इस कार्यक्रम में और क्या क्या आयोजन किया जाता है? इस कार्यक्रम में तो संगीत का कार्यक्रम होता है, भजन होते हैं, भजन कीर्तन होता है, श्रृंगार होता है। यहाँ पे संस्था के तरफ से जो है फागुन मेले में, साल में फागुन मेला आता है मार्च में, उस वहाँ पे हम लोगों के बहुत कार्यक्रम होते हैं। 17 किलोमीटर की दूरी में 5 कैंप रखते हैं सेवा केंद्र की तरफ से, वहाँ फ्री खाना पीना नाश्ता होता है सबको और लाखों भक्तों के लिए दिया जाता है, उसमें मेडिकल कैंप भी रहता है। 25 साल से आप ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, आपको क्या अनुभव आया इसके पीछे? क्या तो श्याम बाबा की भक्ति सबसे बड़ी है कि भगवान की भक्ति ऐसी लगी है दिल बार बार हो गया। सर ये कहते हैं कि हारे के सहारा श्याम बाबा हमारा, हारे का सहारा श्याम हमारा, हारे का सहारा श्याम हमारा, सबका श्याम बाबा है, सबको हर तरीके से श्याम बाबा जो है आशीर्वाद देता है।